ओके हाय। एक्चुअली मैं एक इम्पॉर्टेंट डेटा ढूंढ रहा था गूगल ड्राइव पे जो मैंने स्टोर किया था, बट अब वो मुझे मिल नहीं रहा है। ओके हियर इट इज, मिल गया। ओके वियर्ड, देयर इज अ 404 एरर। लगता है गूगल की टीम से बात करनी पड़ेगी इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अ बेटर सोल्यूशन देन दिस। Now, what is that solution? That solution is Arweave blockchain, जहाँ पे हम एक बार पेमेंट करते हैं और हमारा डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो अभी तक हम जो ब्लॉकचेन से कंप्लेन करते आ रहे थे कि बहुत महंगी है यार ब्लॉकचेन, वहाँ पे हम डेटा हैवी डेटा स्टोर नहीं करा पाते, बट आरवी ब्लॉकचेन के थ्रू हम हैवी डेटा, चाहे वो इमेजेस हो, फाइल्स हो, किसी भी तरह का डेटा हो, उसे हम आरवी ब्लॉकचेन पे स्टोर करा सकते हैं परमानेंटली और हमेशा के लिए। मतलब एक ऐसी हार्ड डिस्क जहाँ पे आप एक बार डेटा स्टोर करते हो तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे हो जाता है, वो कभी भी वहाँ से हट नहीं सकता, क्योंकि आरवी फॉलो करती है द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, चलिए आपको ये मैं दिखाता भी हूँ। सो दिस इज आर ड्राइव जो कि बेसिकली यूज करती है आरवी ब्लॉकचेन का, और आप देख सकते हो ये फॉलो करती है दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज परमानेंट डेटा स्टोरेज। मतलब कि एक बार अपनी फाइल या फिर किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पे स्टोर किया, किसी भी डेटा को यहाँ पे स्टोर किया, वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा और आपको बार बार पेमेंट नहीं करनी है। इसे आप देखोगे ज़्यादातर जो सेंट्रलाइज आपकी ड्राइव्स होती है वहाँ पे आपको मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती है, राइट, अपने डेटा को स्टोर रखने के लिए लगातार। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पे वंस स्टोर फॉर एवर। सो डेफिनेटली चेक दिस आउट, मैंने इसे ट्राई किया था एंड इट इज़ प्रीटी अमेजिंग। और क्योंकि आरवी एक ब्लॉकचेन है तो डेफिनेटली हमें उस ब्लॉकचेन को एक्सेस करना होगा, और सिर्फ एक्सेस ही नहीं करना होगा, हमें उसे एफिशिएंटली एक्सेस करना होगा। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गेटवेज की, बट ऐसे वैसे गेटवेज नहीं चाहिए हमें, राइट, क्योंकि हमारा जो पूरा मॉडल है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड है, उसमें कोई भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंट्रलाइज गेटवे, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज डिसेंट्रलाइज गेटवेज। यस यू हर्ड इट राइट, डिसेंट्रलाइज गेटवे। और यही पेंट्री होती है r.io नेटवर्क की, जो कि बेसिकली आपको डिसेंट्रलाइज गेटवेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा गेटवे है जिसके थ्रू हम इंडेक्सिंग, कैशिंग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा रिट्रीवल है फ्रॉम द आरवी ब्लॉकचेन वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, ज़्यादा बेटर हो सके। सो व्हाट r.io नेटवर्क इज ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट एन इंटरनेट विच रिमेंबर्स एवरीथिंग। मतलब आने वाले टाइम में देर विल बी नो 404 एरर्स विच वी हैव यूजली इन आवर ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। तो चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये रहे आप, ठीक है, जो कि एक्सेस करना चाहते हैं हमारी आरवी ब्लॉकचेन को। बट द थिंग इज कि आरवी ब्लॉकचेन को डायरेक्टली एक्सेस करना कैन बी एन इनएफिशिएंट वे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए या तो हम एक सेंट्रलाइज गेटवे यूज़ करें, जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड करेगा, स्पेशली अगर हम बात करें सेंसरशिप की। तो आज आपने देखे होंगे बहुत सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके डेटा को सेंसर कर देते हैं, राइट। तो हमें क्या चाहिए? एक डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन। तो हमारे बीच में और आरवी नेटवर्क के बीच में वी नीड अ लेयर, ऐसी लेयर जो कि एफिशिएंटली हमें हेल्प कर सके आरवी नेटवर्क को एक्सेस करने में, एंड दैट लेयर इज पर्मा वेब। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्मा वेब, अब हम आराम से आरवी नेटवर्क को एफिशिएंट वे में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो डेटा रिट्रीवल हो, चाहे वो डेटा हमें अपलोड करना हो, दोनों ही चीज़ें। अब इसका मैं आपको एक जूम इन वर्जन दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ हम लोग और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हमारे पास है हमारे यूजर्स या फिर आप कह सकते हो एप्लीकेशंस जो कि डेटा को या तो रिट्रीव करना चाहती हैं या तो एक्सेस करना चाहती हैं। और यहाँ पे है हमारा आरवी नेटवर्क, जहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी नोड्स हैं। रीज़न क्या है कई सारी नोड्स का? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो हमारे पास बहुत सारी नोड्स हैं ताकि उस डेटा को हम हर एक नोड पे स्टोर करा सकें, जैसे कि एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेसिकली वर्क करती है वैसे ही। अब अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है जो कि आरवी नेटवर्क पे है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू आरवी नेटवर्क, हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे r.io नेटवर्क का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, मतलब r.io नेटवर्क को भेजी जाएगी। अगर हम बात करें r.io नेटवर्क की, क्योंकि ये भी एक डिसेंट्रलाइज गेटवे है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास कई सारी नोड्स हैं, जैसे कि नोड ए, नोड बी एंड सो ऑन। मतलब नोड एन मतलब कि कई सारी नोड्स हैं, अगेन वाई वी हैव सो मेनी नोड्स, ताकि कल को अगर कोई नोड बाई चांस बंद हो जाती है, किसी वजह से वर्क नहीं कर रही है, तो हमारे पास और भी नोट्स होंगी जो कि हमें डेटा रिट्रीवल में हेल्प करेंगी। अब इस इतनी सारी नोड होने का फ़ायदा क्या है? इतनी सारी नोड होने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो डेटा रिट्रीवल है वो फास्टर हो जाएगा, हम यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कैश का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे r.io को नेटवर्क को यूज़ करने के।
अब हमारा जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा r.io नेटवर्क पे और फिर r.io नेटवर्क के थ्रू ये जाएगा हमारे आरवीव नेटवर्क पे, जिसके थ्रू हम सारे ट्रांजैक्शंस हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब ए टू जेड सब कुछ हम आरवीव नेटवर्क का आराम से एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस इज अ वेबसाइट ऑफ r.io नेटवर्क जहाँ पे आप इसका आराम से यूज कर सकते हो, साथ ही साथ इसके बारे में पढ़ सकते हो एज अ डेवलपर। इफ यू वॉन्ट टू यूज इट डेफिनेटली यू कैन। और अगर आप यहाँ पे सी डॉक्स में जाओगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ लिस्ट आउट किया हुआ है, एंड स्पेशली देयर SDK जहाँ पे आप इसका यूज आराम से कर सकते हो इन ऑर्डर टू सेटअप योर ओन गेटवे और इन ऑर्डर टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेटवे। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस ट्यूटोरियल। आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल जहाँ पे हम लोगों ने आरवीव ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों ने r.io नेटवर्क के बारे में पढ़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।